संस्कार शिविर शिक्षण शिविर नहीं है, ये ज्ञान का शिविर नहीं है, एक जीवन जीने का जीवंत शिविर है। इसमें उन चीजों पर ज्यादा प्रकाश डाला जाता है जिससे तुम्हारी जिंदगी की वह ऊर्जा जागृत हो, वह शक्ति जागृत हो जो शक्ति तुम्हारे अंदर छुपी हुई। यहाँ माइंड को इस ढंग से वाशिंग किया जाता है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को बहुत अधम और निम्न स्तर के मानने लगे हो, तो वहाँ व्यक्ति इतना समझ जाता है आज भी हम पंचम काल में चाहें तो हम वह साधना भी कर सकते हैं, वह शक्ति भी जागृत कर सकते हैं जो शक्ति चौथे काल के जीवों में भी थी। तो शिविर के अंदर मूल उद्देश्य, जिस ढंग से हम शिविर का रूप देते हैं उसका मूल उद्देश्य ज्ञान नहीं है, जीवन कैसे जीना, कीचड़ में रह कर के कमल के समान कैसे खिलना, कीचड़ में रह कर के हमें जंग न लगे, हम सोने के समान धमकते रहें। शिविर में मूल अर्थ है कि लोहे को सोना बनाएं और सोना बना के कहें अब जाओ कीचड़ में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि सोने को कभी जंग नहीं लगे। जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। कादे यानी कीचड़ में, जैसे कादे में कीचड़ में सोना भी मलिन नहीं होता है, ऐसे ही गृहस्थ गृहस्थी रूपी कीचड़ में रह करके भी मलिनता को प्राप्त ना हो, इस शिविर का मूल लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति ये कला सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम संसार नहीं छोड़ सकते हैं, हम गृहस्थी नहीं छोड़ सकते हैं और गृहस्थी में रह कर के भी हमारी ज़िंदगी में जंग नहीं लगना चाहिए, उनको जरूर मैं तो कहता हूँ। और फिर जब एक दो बार शिविर के बाद तो मैं कहता हूँ शिविर में आओ या ना आओ, तुम दशलाक्षण पर्व की महिमा समझ जाओ। सारी जिंदगी भर तुम आग जिसके लिए पैदा नहीं हो गए कमाते रहो कोलू के बैल के समान, जिंदगी भर तुम संसार के कार्यों के लिए पैदा नहीं हुए हो, जिंदगी भर नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें कुछ ये भी देखना है कि साल भर में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन हम मजबूरी में नहीं स्वभाव में जिएंगे।